अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से 60 में 4 सिल लेते हैं, इस तरह से दो बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से चाप को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, दूसरी तरफ भी चाप को सिल लेना है, ठीक है। इस साइड में फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी तरफ भी चाप को सिल लिया है, दोनों तरफ से हमारे चाप सिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल किनारे पर भी एक सिलाई लगा दी है दोनों पल्ले में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू से लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों बाजू को लिया है, पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, सीधी तरफ से हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम एक बाजू को लेंगे, फ्रिल वाली बाजू हमारी रहेगी, तो उल्टी तरफ से हम कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे एक बार और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है, इसमें हमें अच्छे से प्रेस भी लगा देनी है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक बी सेंटर पर कट लगा देंगे। ये कट वाला हिस्सा हमारा शोल्डर के बीचों बीच रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए, ठीक है। फिर हम यहाँ पर फ्रिल वाली बाजू लेंगे और इसकी सीधी साइड हम यहाँ पर नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से नापेंगे, जो हमारा कट है वो शोल्डर के बीचों बीच रखना है, ठीक है। और इसको हमें कुछ इस तरह से नाप लेना है, और नापने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ध्यान रखना है कि जो हमारा कट है वो शोल्डर के बीचों बीच यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पर हमने एक सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। और डबल सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने एक तरफ से फ्रिल वाली बाजू को सिल लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से हमारी फ्रिल आई है। तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी फ्रिल वाली बाजू को सिल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी अम्ब्रेला बाजू को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और पीछे की तरफ हमें इसमें डोरी भी लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने अम्ब्रेला बाजू सूट सिलना सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।